हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं अमन जायसवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं खाते पीते रहो मस्त रहो पढ़ाई लिखाई करते रहो दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट करो कुल मिलाकर बात यह है कि लाइफ को एंजॉय करते रहो ठीक है अब मैं आपको बता देता हूं अब जो ये क्लासेस होने वाली है अगली तीन क्लासेस आज और ये अगली दो क्लासेस जो होंगी इसको मैंने एक स्पेशल परपज से डिजाइन किया है अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है पिछले दो महीनों में अब आपकी बारी है इस चीज को जानने की कि आपकी नॉलेज कितनी है आपको कितनी बातें समझ में आई हैं और कौन से कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जहां पर आपको काम करने की जरूरत है ठीक है तो अगली ये जो तीन क्लासेस की सीरीज है आज पार्ट वन है फिर पार्ट टू होगा फिर पार्ट थ्री होगा सबसे पहली बात कॉपी पेन लेकर के बैठना हर सेशन में हम पचास से साठ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन से पहले आपको बीस सेकेंड का टाइम मिलेगा पहले आप खुद सॉल्व करके देखना उसके बाद में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा ठीक है तो जैसे बता रहा हूं बस वैसे चलते रहना और ओवरऑल जब कंप्लीट हो जाएगी क्लास तो फिर आप अपना स्कोर चेक करना कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है कहां पर आपको किन चीजों को और इंप्रूव करने की जरूरत है क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी बचा नहीं है पेपर को पंद्रह दिन बचे हुए इसमें कुछ नया तो पढ़ नहीं सकते हालांकि नया पढ़ने को कुछ है भी नहीं मैंने आपको सब करा रखा है ठीक है तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि अब आप जांचिए कि आप कहां खड़े होते हैं आपका लेवल क्या है ठीक है लेवल अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है और काम करेंगे अगर कुछ आपको लगता है कि लेवल कम है तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है मोटिवेट ही रहने की जरूरत है इसीलिए आपको ये सिखाया जा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि, कि किन चीजों को आप नहीं पढ़ना है और किन चीजों को पढ़ना है ठीक है तो हर क्वेश्चन के बाद आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा जैसे मैंने बताया वैसे करना क्वेश्चन नंबर लिख लो कॉपी के ऊपर कॉपी पेन लेकर के बैठना क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके ऐसे साठ पचास पचास क्वेश्चन तक आप लिख लो और जांचना अपने आप को परखना कि कहां पर गलतियां आप कर रहे हो ठीक है चलो शुरू करते हैं फिर आज है पार्ट वन तो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स तो हम बात कर रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स की करेक्ट फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है और आपको वो बतानी है तो फिर यहां से शुरुआत करते हैं आपको टाइम मिलेगा 20 सेकेंड्स का ले लो टाइम 20 सेकेंड्स का और उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए शुरू हो जाइए ये प्रैक्टिस सेशन है इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज उठा सकते उठाना, है? हो हैं और अगर वर्ब का टेंस प्रेजेंट है अगर प्रेजेंट टेंस है तो फिर आप देखो सब्जेक्ट क्या है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा इसी को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं तो देखो यहां पर वर्ब पर है ये लिखा है सिटिंग ठीक है इन इट शेड सिटिंग ओवर द ट्री इन इट शेड द गुरुकुल टीचर टॉट हिज डिस अब देखो बड़े ध्यान से ये बात समझना कहां पर बैठा हुआ है वो ट्री पे इन इट्स शेड तो मुझे एक बात बताओ पेड़ के ऊपर बैठ के छाव मिलती है या पेड़ के नीचे बैठ के छाव मिलती है बात समझ आ गई करेक्ट पेड़ के ऊपर बैठ के तो छाव नहीं मिलेगी ना छाव तो नीचे मिलती है इसका मतलब सिटिंग ओवर द ट्रीज नहीं होना चाहिए ये गलती है यहां पर ओवर की जगह पर होना चाहिए अंडर तो आपको आंसर मिल गया है और वैसे भी क्या होता है फ्रेज क्या बनता है सिटिंग अंडर द शेड है ना फ्रेज क्या होता है अंडर द शेड तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह आंसर मिल चुका होगा जिन्होंने भी ए पर टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कोई प्रॉब्लम किसी को जल्दी से मुझे बताओ आप लोग कमेंट करके कमेंट करते रहना ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बीस सेकेंड्स हो गया चेक कर लेते हैं मैंने आप लोगों को बताया शुरुआत कहां से करो वर्ब से सबसे पहले वर्ब वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट है तो फिर सब्जेक्ट को भी चेक कर लो अगर ये पास या फ्यूचर है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अब देख लेते हैं द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एज इट टर्न एज इट इन टर्न रिवॉल्व अराउंड सन अब मेरी बात ध्यान से देखना यहां पर दो वर्ब्स है एक तो ये है और एक ये है अराउंड अराउंड से पहले वाला एक सेकंड रुकेगा एक देखो ध्यान से एक तो ये है वो एक ये है यहां पर टेंस है प्रेजेंट और यहां पर टेंस है पास्ट तो क्या ऐसा हो सकता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना पास्ट से प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है पास्ट परफेक्ट से पास्ट हो सकता है इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट से फ्यूचर हो सकता है आप समझिएगा अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है राइट ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी होते हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स कभी भी बदलते नहीं है हाँ या ना कभी भी नहीं बदलते इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए ये वाला रिवॉल्व बिल्कुल ठीक है तो गलती यहां पर आपको सी पार्ट में मिल रही है ये भी क्या होना चाहिए रिवॉल्व बात समझ आ गई सभी लोगों को तो गलती आपको सी पार्ट में दिखी जिन्होंने सी पे टिक किया उनका आंसर एकदम करेक्ट है आते हैं अगले क्वेश्चन पर बीस सेकेंड्स बताइए आंसर देखो पहले खुद सॉल्व करना उसके बाद ही आंसर चेक करना तो सेंटेंस पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ब को देखना है वर्ब वर्ब लिखा है 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 यहां पर आर ये है। अब आर ये अब प्रेजेंट टेंस में है, तो हमें सब्जेक्ट का पता लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है कैप्टन अलोंग विद हिज टीम तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है यहां पर जो दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं एक तो है कैप्टन एक तो दिख रहा है टीम और ये जुड़े हुए हैं इस फ्रेज के साथ में करेक्ट इस फ्रेज के साथ में कैप्टन है सिंगुलर

बताइए बात समझ आ रही है सभी लोगों को यस और नो द कैप्टन अलोंग विद विध टीम प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस बात समझ आ गई अगर यहां पर होता कैप्टन मान लो अगर यहां पर कैप्टन होता प्लूरल में तब वो आर बिल्कुल ठीक रहता तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लोग रिवाइज कर लो जाकर के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने पढ़ा रखा है अगला क्वेश्चन टाइमर आपके सामने है देख लेते हैं कि क्या है इसका राइट आंसर किसकी बात कर रहे हैं ध्यान से देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं द हॉल वॉज रेवर रेवरबेटेड है reverber, reverberated, ना रेवरबरेटेड म्यूजिक ड्रामा डांस बुक्स तो हम सबसे पहले वॉब पे चेक करेंगे वॉब में क्या दिक्कत है ना करेक्ट द हॉल वॉज रेवरब्रेटेड इसका मतलब होता है वाइब्रेट होना ठीक है इसका मतलब क्या होता है वाइब्रेट होना अब ध्यान से देखना विद म्यूजिक हॉल जो था वो वाइब्रेट हुआ म्यूजिक से ड्रामा से डांस एंड फोक्स फ्रॉम रीजन इंटरमिंगल क्योंकि सब कुछ एक साथ चल रहा था राइट नो एर अब ध्यान से देखो सब यहां पर तो हो गई है है पास्ट में आप तो कुछ कर नहीं सकते यहां लिखा है हॉल अब मुझे एक बात बताओ द हॉल वॉज क्या ये पैसिव स्ट्रक्चर है आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहां पर इस वॉज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है द हॉल रिवर्ब्रेटेड विद म्यूजिक ड्रामा एंड डांस बात समझ में आई कि भैया हॉल जो था हॉल जो था वो गूंजा गूंजने लगा तो यहां पर वॉज की जरूरत नहीं है ठीक है अब मेरी एक बात समझना अगर मैं कहता हूं आई वाइब्रेटेड या फिर ऐसे समझ लो ये वर्ब का ना स्ट्रक्चर आपको पता होना जरूरी है मैं बता देता हूं कैसे अगर मैं कहूं आई टोल्ड तो आई टोल्ड का मतलब यहां पर काम करने वाला बंदा मैं हूं काम करने वाला बंदा मैं हूं और मैं किसी को बता रहा हूं लेकिन अगर मैं कहूं आई वॉज टोल्ड इसका मतलब यहां पर काम करने वाला कोई और है और ये मुझे बता रहा है तो दोनों बातों में फर्क आपको समझना पड़ेगा ठीक है यहां पर राइट आंसर बनेगा ये वॉज की जरूरत नहीं है इसको आप ओमिट कर दोगे तो बाकी कहानी बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड से आपके पास बीस बताओ देखा जाए समझिएगा सबसे पहले वर्ब का पता लगाओ इमेजिन लिखा है प्रेजेंट टेंस में है imagine you were, you were यहां क्या लिखा हुआ है टाइम आपको लग नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ ये ये है और ये दीज प्लूरल है ऐसा तो नहीं होगा आपको पता है अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल रहेगा ये सिंगुलर है तो ये भी रहे सिंगुलर रहेगा तो यहां पर बात नहीं बन रही इसका मतलब यहां पर दीज नहीं होगा दिस हो जाएगा करेक्ट तो दीज नहीं होना चाहिए यहां पर दिस हो जाएगा काहे क्योंकि भैया टाइम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में आप दिस का यूज करते हो दीज का नहीं है ना दिस दैट दीज दो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए देखा जाए चलो समझना किसके बारे में बात कर रहे हैं विद बेटर पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सेफ्टी अस लिव मच लॉन्गर यहां लिखा है अस लिव मच लॉन्गर अब ध्यान से देखो ये है एक वाँग। वाँग है यहाँ पर और काम को करने वाला हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है और सब्जेक्टिव केस को आप अस नहीं लिखते क्योंकि अस तो ऑब्जेक्टिव केस है तो गड़बड़ी तो हमें यहां पर मिल गई समझ आ रही है ना बात गड़बड़ी हमको मिल गई यहां पर अस नहीं होना चाहिए तो अस की जगह पर क्या होना चाहिए वी जिन्होंने भी सी पर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद सॉल्व करो नहीं समझ में आए तो आगे बढ़ो नहीं समझ में आए तो पहले मेरा सोल्यूशन देखो और वो भी नहीं समझ में आए तो फिर आप क्या करोगे आगे बढ़ोगे क्लियर है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं देखा जाए समझिएगा समझिएगा कि क्या कहानी है लिखा है ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड टू बिल्ड अ हाइब्रिडाइज्ड स्कॉलरली कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट बड़े ध्यान से समझना सबसे पहले कहां से शुरुआत करोगे वर्ब से तो देखो वॉब कहां पर लिखी हुई है वर्ब कहां पर लिखी हुई है ध्यान से देखिएगा वर्ब कहां पर लिखी है पहली बात ये लिखा है टू बिल्ड टू बिल्ड वी की फर्स्ट फॉर्म ही आता है टू के साथ में आपको पता है अच्छे से हाइब्रिडाइज स्कॉलरली कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट और ये भी वी वन है प्रेजेंट टेंस चल रहा है यानी कि यहां तक की कहानी ठीक है ये किसके लिए आया है ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड्स तो ये बना पूरा का पूरा सब्जेक्ट टू बिल्ड क्या बिल्ड करना है अ हाइब्रिडाइज्ड

कमेंट करके पूछ सकते हो नेक्स्ट देयर इज अ पॉलिसी ऑफ अब्दवियसनेस सिंस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर रेडिली एविडेंट इन द क्लिप पढ़ के देखें तो हम किसकी बात कर रहे हैं Uh, सबसे पहले वर्ब देखो इज लिखा है यहां पर सिंस ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर ये भी आर लिखा है प्रेजेंट टेंस है करेक्ट तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग समझ आ रही है आपको अब देखिएगा कह रहे कि यहां पर एक फॉलिसी है फौलसी मतलब एक एरर है एरर है किस चीज का ऑब्वियसनेस का सिंस ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर रेडिली एविडेंट इन द क्लिप क्योंकि अब समझना यहां पर सिंस का मतलब क्या क्योंकि है मेरी बात पर ध्यान से समझना यहां पर सिंस की जरूरत है या फिर हिंदी में पढ़ के देखो कि यहां पर एक गड़बड़ी है अब ये गड़बड़ी का कैसे पता लगा कुछ एविडेंट है तो हमें यहां पे हिंदी में कॉन्टेक्ट आ रहा है क्योंकि अगर क्योंकि आ रहा है तो यहां पर सिंस नहीं आना चाहिए इट तो शुड बी बिकॉज ठीक है क्या होना चाहिए बिकॉज इसीलिए वहां पर सिंस की जगह पर बिकॉज आएगा आई होप इट इज क्लियर तो जिन्होंने भी सेकेंड ऑप्शन में टिक किया था सिंस की जगह पर बिकॉज उनका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट पता चला आपको कुछ आंसर तो ध्यान से देखना किसकी बात कर रहे हैं ही लाइक्स ये तो प्रेजेंट है प्रेजेंट टेंस में वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर कोई दिक्कत नहीं है ना टेंस प्रेजेंट था आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है तो ही के साथ में लाइक्स बिल्कुल ठीक है दैट रियली बिग रेड ओल्ड एंटीक अब ध्यान से समझना जब भी कभी एक ही साथ एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ जाए क्या कहा मैंने जब भी कभी एक ही साथ एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ जाए तो उसको यूज करने का एक सिक्वेंस होता है ठीक है कलर को और ओल्ड क्या बता रहा है एज को. को. को तो वो सिक्वेंस क्या है बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऐसे केस में सबसे पहले साइज को लिखते हैं उसके बाद में एज को लिखते हैं और उसके बाद में कलर को लिखते हैं यानी कि सीक्वेंस क्या बनना चाहिए बिग ओल्ड रेड बात समझ आई क्लियर है तो गलत आंसर यहां पर जो गलती थी वो क्या थी सेकेंड ऑप्शन में बिग रेड ओल्ड नहीं होगा ओल्ड रेड एंटीक हो जाएगा इज इट क्लियर अच्छा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको यहां पर एक रूल भी बता रहा हूं उस रूल को देख लो कि क्या है आपको सबसे पहले तो ओपिनियन लिखना होता है जैसे कि आपको कोई चीज अच्छी लग रही है लवली लग रही है ब्यूटीफुल लग रही है है आपका अपना ओपिनियन कुछ या क्वालिटी कह सकते हो ठीक अच्छा है अच्छा या बुराई ओपिनियन ही होता है कोई आपको अच्छा लगता है तो आपकी अपनी राय है वो थोड़ी ना अच्छा है बुरा है इसके बाद में साइज तो पहले ओ लिखते चलना इस तरीके से पहले ओ फिर एस कहां पर लिखू मैं जगह ही नहीं दिख रही है यहां पर पहले आएगा ओ फिर आएगा एस एस का मतलब साइज से है यानी कि कोई चीज छोटी बड़ी है या स्मॉल है टॉल है उसके बाद में आएगी क्वालिटी ओ एस क्यू क्वालिटी जैसे कि कोई थिन है कोई रफ है है बड़ा स्मूथ है कोई चीज है तो स्मूथ हो सकती है लोग हैं तो बड़े रफ हो सकते हैं इसके बाद में उनका शेप तो ओ एस क्यू एस शेप का मतलब राउंड है स्क्वायर है रेक्टेंगुलर है कैसा है ट्रायंगुलर है कैसा है फिर एज तो ओ एस क्यू एस ए फिर आएगा कलर ठीक है सैक फिर आएगा मटेरियल यानी वो चीज किस चीज की बनी हुई है मेटल की है वुड की है प्लास्टिक की है या फाइबर की है कैसी है तो यहां पर आप लिखोगे एम बात समझ आई फिर लिखोगे टाइप जनरल पर्पज है या फोर साइडेड है किस तरह का है टाइप क्या लिखोगे उसका एम और इसके बाद लिखोगे पी तो करेक्ट सिक्वेंस क्या होगा ऑस क्यू एस ऐसे समझ लेना ऑस क्यू सैक एम टी पी OSQ, SAC, पहले वाले S, size के लिए आया है दूसरा वाला एस शेप के लिए आया क्योंकि दो ही लेटर है है ना तो पहले ओपिनियन फिर साइज फिर क्वालिटी फिर शेप फिर एज उसके बाद कलर फिर मटीरियल उसके बाद में टी फॉर टाइप और पी फॉर क्या लिखा हुआ है यहां पर पर्पस किस पर्पज से क्लीनिंग पर्पज से है कुकिंग पर्पज से जैसे कुछ चीजें खरीदो तो हर चीज का पर्पज होता है ना ये सिक्वेंस होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको तुरंत सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे ठीक है आगे बढ़ो बताइए हो चेक कर लेते हैं लंडन वॉज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड विच अलोंग विद स्कॉटलैंड अब देखो यहां पर क्या आया अलोंग विद और उसके पहले क्या आया और विच और ये विच किसके लिए यूज कर रहे हैं लंडन के लिए तो लंडन क्या था कैपिटल था इंग्लैंड का विच अलोंग विद स्कॉटलैंड एंड वेल्स मेक्स अब बड़े ध्यान से देखना मेक्स ग्रेट ब्रिटेन करेक्ट हाँ है ना अब एक बात मेरी बड़े ध्यान से देखो यहां तो मेक्स लिखा है और वॉब में लास्ट में एस होता है मतलब वो सिंगुलर होता है और ये कि किसकी बात कर रहे हैं लंदन की ये भी सिंगुलर है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वॉब मतलब यहां और यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल ठीक है लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि लंदन कभी था या लंदन आज भी है जल्दी से बताइए ये चीज सिर्फ थी कभी या आज भी है भाई लंदन तो आज भी है प्रेजेंट में है ना तो फिर यहां पर वॉज नहीं आना चाहिए ये इज होना चाहिए क्यों क्योंकि लंडन आज भी कैपिटल है और लंडन स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन बनाता है और लंडन किसकी कैपिटल है इंग्लैंड की आपको पता है तो यहां पर राइट right आंसर क्या बनेगा वॉज की जगह पर एज आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट अच्छा डायरेक्शन है इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो अब जो ब्रैकेट में पार्ट आपको दिखेगा आपको वो इंप्रूव करना है करेक्ट देख लेते हैं तो यहां से शुरुआत होगी पढ़िए और बताइए कि क्या दिक्कत है बीस सेकंड का टाइम काफी है वैसे अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो पॉज ज्यादा कर लो लेकिन बीस सेकंड का टाइम काफी है ठीक है देख लो क्या करना है सबसे पहले तो आपने ये देखना है अच्छा वो स्पॉट दी एरर था यहां पर क्या है सेंटेंस इंप्रूवमेंट है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सबसे पहली नजर जो आप दौड़ाएंगे वो दो जगहों पर दौड़ाएंगे पहला वो जो पार्ट हाइलाइटेड है ब्रैकेटेड है या अंडरलाइट है यानी क्या करेक्ट करना है उसको देखो सबसे पहले ठीक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सबसे पहले क्या देखोगे कौन सा पार्ट करेक्ट करना है और उसके बाद में ऑप्शन पर आ जाओ तो यहां पर हमें ये वाला पार्ट करेक्ट करना है ही अब देखो किसकी बात हो रही है अबाउट वॉट ही ये ही किसके हिसाब से आएगा प्रोनाउन तो नाउन के हिसाब से आता है अब यहां पर किसी व्यक्ति का नाम तो दिया नहीं है यहां पर वन शब्द दिया है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर यहां पर किसी लड़के का नाम होता तो वो ही सही था है ना तब तो ये ही सही था ये प्रोनाउन है प्रोनाउन हमेशा नाउन के हिसाब से आती है अब यहां पर नाउन कोई लड़का या लड़की तो है नहीं अगर लड़का होता तो ही रहता लड़की होता तो शी रहता यहां पर दिया है वन और आप अच्छे से जानते हो कि वन के साथ में ही आता है positive case में करेक्ट तो गलती यहां पर नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए चाहिए अच्छा ही नहीं है पर देखो ध्यान से positive case नहीं है subjective case है तो वही रहेगा ही आपको अच्छे से क्या समझ में आगे बात क्यों क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट ये था आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ठीक है ना तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप सबसे पहले नजर कहाँ डालोगे जो पार्ट आपको करेक्ट करना है और उसके बाद में ऑप्शंस पे ठीक है नेक्स्ट

अच्छा मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये रूल लिखवा देता हूं यहां पर कि आइदर और नाइदर एनी और नन का क्या लॉजिक है बड़े ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट बात है सारी की सारी तो एक बात ध्यान रखना फॉर टू ठीक है दो लोगों के लिए आप आइदर या नाइदर यूज करते हो पॉजिटिव है तो आइदर का यूज करोगे नेगेटिव है तो नाइदर का यूज करोगे लेकिन फॉर मोर देन टू फॉर मोर देन टू दो से ज्यादा के लिए आप एनी का यूज करते हो पॉजिटिव में और नेगेटिव में नन का यूज करते हो यह बात मैंने आपको बहुत बार बता रखी है अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस में कितने लोग हैं कितने लोग हैं पांच लोग हैं पांच बहनों की बात हो रही है इसका मतलब आइदर नहीं आएगा एनी आएगा करेक्ट सबको क्लियर है ये बात बताते रहना यार सिंपल था क्लियर है सभी को वेरी गुड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं देखा जाए क्या लिखा है शी डू नॉट अब आपको अच्छे से पता है कि डू होता है प्लुरल और शी होता है सिंगुलर आया ना अब यह बात तो नहीं बन रही इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा शी डू नॉट नो तो शी डज नॉट होना चाहिए ना क्योंकि ये सिंगुलर हैज नॉट तो होगा नहीं करेक्ट क्योंकि नो होता नहीं क्योंकि हैज के साथ में वो की थर्ड फॉर्म आती है तो यहां पर नोन होता और इज नाव नहीं होगा तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए लॉजिक आप सभी को पता है शी कमेंट वमेंट करते रहो सारे के सारे और कोई डाउट है तो कहां लिखोगे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में उसी के बेसिस पर मैं आप लोगों को आपके सॉल्यूशंस दूंगा या फिर जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है वो मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चेक किया जाए देखो ध्यान से किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले देखो एज 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 वेल वेल अब ये as well किसके लिए आया ही इज बोथ बोथ यहां लिखा है both. और बोथ के साथ में एज वेल एज नहीं आता आप सभी लोगों को कंजंक्शन में पढ़ाया गया कि बोथ के साथ में जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है एंड तो बोथ के साथ में दूसरा पार्ट तो एंड होता है इसका मतलब बिसाइड्स नहीं होगा अलोंग विद नहीं होगा एंड होना चाहिए ये भी नहीं होगा क्लियर है सभी को हा या ना क्लियर है ना आगे देख लेते हैं देखा जाए चलो दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम अब यहां पर लिखा है विच विच किसके हिसाब से आएगा ये भी देख लो दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व ठीक है ना अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो यहां लिखा है सच और सच के साथ में दूसरा शब्द या तो आता है दैट या फिर सच के साथ में दूसरा शब्द आता है एज अब आप देखो सच एज या सच दैट दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम ट कैन नॉट बी सोल्व विदर्ट या एज तो भैया देखो बट तो बिल्कुल नहीं आएगा और विच भी नहीं होगा यहां पर होना चाहिए सच दैट ठीक है फर्क क्या है ये भी समझ लो सच एज हम यूज करते हैं किसी एग्जाम्पल के तौर पे. जब कोई बात आपको एग्जाम्पल के तौर पे देनी है कि सच एज ये सच एज वो बात समझ में आ गई आज लेकिन सच दैट हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के लिए रेफरेंस के लिए ऐसे भी समझ सकते हो नेक्स्ट अच्छा डायरेक्शन है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप के क्वेश्चन लेकिन अलग फॉर्मेट में पढ़ो आंसर दो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये अंडरलाइन पार्ट है बताओ देखा जाए तो देर इज नो वन यहां लिखा है हाई और यहां लिखा है एस्टीम आई एस्टीम ये है वर्ब ये है सब्जेक्ट यहां लिखा है dan, और यहां लिखा है मदर यानी एक तरीके का कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जल्दी से बताओ एक तरीके का कंपैरिजन हो रहा है ना और कंपैरिजन कितने लोगों में हो रहा है मैंने आप लोगों को बता रखा है अगर कंपैरिजन दो लोगों में हो अगर कंपैरिजन दो लोगों में हो तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री का नहीं बल्कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हो और कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में या तो ई ER लगा दोगे या फिर शुरू में मोस्ट लगा दोगे जैसा भी फीसबल रहता है वो हम काम करते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ देखा जाए यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह वोबलरी बेस भी कह सकते हो फ्रेजल वर्ब जो आप लोगों का सरदर्द बना रहता है ना सरदर्द बना रहता है उसका है देखते हैं आंसर सना डिसाइडेड टू बैकअप बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना जैसे कि आपका मान लो फोन की बैटरी डाउन हो रही तो आप बैकअप बैक करते हो ना जैसे फोन की बैटरी के लिए नहीं बोल रहा आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में डेटा है मोबाइल का डेटा है फॉर्मेट करने से पहले बैकअप ले लेते हो ना तो बैकअप एक तरह का सपोर्ट होता है द प्रोजेक्ट सो शी कुड स्पेंड द मोर क्वालिटी टाइम विद फैमिली तो वो क्या कर रही है वो प्रोजेक्ट के साथ कुछ कर रही है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके अगर उसको ये एक काम करना है तो दूसरे काम को तो छोड़ना पड़ेगा ना बात समझ आ रही है छोड़ना पड़ेगा सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगी यानी कि यह बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है अच्छा बैक इन जैसा कुछ नहीं होता या तो होता है बैक डाउन या तो होता है बैक आउट ऑफ तो बैक डाउन का मतलब होता है किसी अपने क्लेम को खारिज कर देना तो आप कह सकते हो कि आपने को पहले कोई क्लेम किया और बाद में उसको खारिज कर दिया तो टू डिक्लेयर इनवैलिड डिक्लेयर इनवैलिड क्या चीज इनवैलिड करना अपना ही क्लेम इनवैलिड कर देना बात समझ आ गई इसका मतलब यहां पर यह भी नहीं बन रहा है तो back out ही होगा back out का मतलब होता है गिवअप और लीव गिव या फिर आप कह सकते हो रिनाउंस अबेंडन ठीक है renounce सकते हो, abandon सकते हो, जो छोड़ दिया भाई बात समझ आई नेक्स्ट इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस देख लेते हैं

लेकिन कितना बाद में ये नहीं पता बात समझिएगा और रहे लास्ट अब मेरी बात समझना यहां पर लिखा है टी कॉफी या कोकोआ में से मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है ना लास्ट तो लास्ट को हम यूज करते हैं पोजिशन के लिए सिक्वेंस के लिए भी करते हैं वैसे बेसिकली ठीक है तो मुझे आखिरी वाली चीज पसंद है लेटर आता है दो लोगों के लिए दो चीजों के लिए अगर मान लो यहां से टी हटा दे तो कॉफी और कोकोआ बचेगा और अगर आपको यह वाली बात पसंद है तो बात जाएगा फिर लेटर कॉफी और कोकोआ में से फिर आ जाएगा लेटर बाद वाली बात के लिए बाद वाली बात के लिए आ जाएगा लेटर और अगर पहली वाली बात करनी होती तो हम यूज करते हैं फॉर्मर यानी लेटर का अपोजिट होता है फॉर्मर बात समझ में आगे सबको तो यहां पर राइट right आंसर बनेगा लास्ट मुझे आखिरी वाला ऑप्शन पसंद है नेक्स्ट चलो देख लेते हैं ब्रैकेटेड पार्ट तो यहां पर यह वाला है एन एन क्या है एक आर्टिकल है ना लेकिन ये आर्टिकल किसके लिए आ रहा है आप ये भी तो देखो एडवाइस के लिए आ रहा है एडवाइस एक नाउन है लेकिन यह कैसी नाउन है अनकाउंटेबल अं और अनकाउंटेबल अं नाउन के लिए आप ए या फिर एन का यूज नहीं करते करेक्ट अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए ए या फिर एन का यूज नहीं करते इसका मतलब एन नहीं आएगा और अ भी नहीं आएगा भाई जिसको गिन सकते हो उसी के लिए तो आ लगाते हैं आए ना This is a water थोड़ी ना बोलते हैं दिस इज वॉटर कहते हैं सिंपली करेक्ट तो दो ऑप्शन तो हट हाँ गए अब द एडवाइस होगा या सम एडवाइस होगा तो आपको अच्छे से पता है सम एडवाइस होगा द नहीं होगा करेक्ट हाँ या ना सम को कब यूज करते हो countable अगर है countable ना होने तब भी यूज कर लेते हो अनकाउंटेबल ना होने तब भी यूज कर लेते हो करेक्ट आई थिंक सभी को क्लियर रहेगा ये सिंपल सा था नेक्स्ट देखा जाए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको नोट कर लेना चाहिए सारे के सारे शब्द किसकी बात हो रही है यहां पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट अब ध्यान से देखो कॉन्ट्रैक्ट के ठीक पहले लिखा है, आपको इतने अच्छे से पता है कि हैज हैव या फिर हैड के साथ में जो दूसरी वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बात तो सब लोग जानते हैं यहां पर तो थर्ड फॉर्म है नहीं इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा स्लंप का मतलब होता है गिरावट सडन गिरावट जैसे कि स्टॉक मार्केट का कोई शेयर है जो क्रैश हो गया कि पांच सौ रुपए से गिर करके तीन सौ रुपए पे आ गया दो सौ रुपए पे तो इस्लाम को गिरावट. तो गिरावट की तो बात नहीं कर रहे क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं you know एक बार एक समय में क्या था बड़ा सा अर्मेनियन कम्युनिटी था कम्युनिटी था लेकिन वो कम्युनिटी धीरे धीरे क्या फेल्ड फेल्ड तो नहीं होगा ड्विंल होना चाहिए ड्ंडल का मतलब धीरे धीरे कमजोर पड़ना बात समझ आई धीरे धीरे कमजोर पड़ जाना तो वो ओवर द टाइम धीरे धीरे कमजोर पड़ा और एकदम खत्म हो गया तो यहां पर राइट आंसर बनेगा सेकेंड ऑप्शन ठीक है क्लियर है सभी को या हाँ ना करके बताते रहना भाई अगर कोई कंफ्यूजन है तो लिख जरूर देना कहां पर कमेंट सेक्शन में ठीक है नेक्स्ट क्या है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड लो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ गए मैं वही बता रहा हूं आपको कि भाई हम मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तक हमने स्पॉट द एरर्स किया सेंटेंस इंप्रूवमेंट किया और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी अलग-अलग फॉर्मेट -अलग में अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो हर एक चीज बहुत जरूरी है ठीक है चलो बताओ देखा जाए किस बारे में बात हो रही है चेक करो यहां लिखा है ब्लैंक और यहां पर लिखा है हिम ही लाइक टू बी विद हिम डैश यहां लिखा है दैन विद दी अदर्स ठीक है विद द अदर्स अब एक बात देखो बड़े ध्यान से

सिंपल सी बात थी दो लोगों में कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री दो से ज्यादा में कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री बात खत्म आगे okay. मेरे ख्याल से ये तो आप लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन रहा होगा इसका आंसर तो सभी ने दे दिया होगा मेरे ख्याल से जल्दी से बताओ भाई चेक कर ले ब्लैंक यहां पर लिखा हुआ है यहां पर है ब्लैंक अब देखो किसकी बात कर रहा है प्रिंस एंड्रयू अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स ये प्लूरल लेकिन यहां पर जो भी कुछ आएगा वो आएगा इसके हिसाब से और एंड्रयू है सिंगुलर लॉजिक क्या है मैंने आपको बता रखा है अलोंग विद एज वेल एज विद जैसे शब्दों के साथ में अगर दो सब्जेक्ट हो तो वह सब्जेक्ट पहले वाले के हिसाब से आएगा करेक्ट अब देखो सिंगुलर आना चाहिए इसका मतलब हैव नहीं होगा और वर नहीं होगा दो चीजें तो बिल्कुल नहीं होगी और यहां पर लिखा है अराइव्ड 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 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो तो वाज भी नहीं होगा हैज तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को बात सबको क्लियर हो गई होगी सिंपल सा क्वेश्चन था हाँ ना तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो मैंने मिक्स क्वालिटी आपके सामने रखी हुई है ईजी भी मॉडरेट भी और डिफिकल्ट भी ठीक है नेक्स्ट ले लो टाइम अच्छा यहां से शुरू होगी मुकेबुलरी इन करेक्ट वर्ड आपको बताना है जो स्पेल गलत तरीके से हुआ हो बताइए देखा जाए तो शब्दों को जब आपको पढ़ना है तो बड़े ध्यान से पढ़ना है बहुत दिक्कतें होती यहां पर ये यह लिखा है शेड्यूल शेड्यूल की स्पेलिंग तो ठीक है एस सी एच ई डी यू वाली बिल्कुल ठीक है शेड्यूल का मतलब आप लोग जानते हो कुछ प्लान इवेंट फिर लिखा है वैक्यूम वैक्यूम में डबल यू आता है ये बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां लिखा है ट्रैंक्विलिटी क्या ये शब्द सही है बताओ सारे के सारे लोग ट्रैक्विटिलिटी ट्रैंक्विलिटी होता है क्या टी आर ई होता है या ए होता है तो करेक्ट वर्ड बनता है ट्रैंक्विलिटी बात समझ आई तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी गलत है और इसका मतलब होता है सरीन सरीन का मतलब होता है काम कंपोज्ड पीस ठीक है ना तो ये बन जाएगा राइट आंसर एक्सेलरेशन नहीं होगा करेक्ट हाँ या ना क्लियर सभी को ठीक है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा देखो ध्यान से किसके बारे में बात कर रहे हैं हम इनकरेक्टली स्पेल वर्ड बताना आपको गलत स्पेलिंग क्या है तो अकेजन वॉयलेंस फियर्स या resemblance? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए भाई ये तो बहुत सिंपल है देखो ओ डबल सी ए तो क्या ओ डबल सी होता है देखेंगे violence तो बिल्कुल ठीक 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 है fears भी है resemblance भी है भी भी डबल सी नहीं होता है ओ सी ए डबल एस आई ओ एन होता है तो यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर वन करेक्ट क्लियर है सभी को यस और नो ठीक है ना आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट देखा जाए बताइए आंसर बताइए देखो ध्यान से अटेंडेंस इनकरेक्टली बताना है मतलब तीन सही होंगी ये गलत होगा, अटेंडेंस बिल्कुल ठीक है अटेंड डांस बिल्कुल ठीक है मतलब ऐसे अटेंडेंस कहते हैं बट याद करने के लिए कर सकते हो अफ्लुएंस भी बिल्कुल ठीक है अलायंस भी बिल्कुल ठीक है ये गलत है क्योंकि अफिलियट होता है शब्द ए डबल एफ आई एल के बाद में आता है आई ए टी अफिलियट होता है इज इट क्लियर तो गलती है ऑप्शन नंबर फोर में यहीं पर आपको एरर नेक्स्ट इन मीनिंग बड़ा मजेदार काम होता है आप लोगों को तो बताना देख लेते हैं डिलीजेंट पहला शब्द डिलीजेंट और आपके पास शब्द हैं चार और अलग अलग वर्ड्स हैं और आपको ऑप्शंस के थ्रू आंसर बताने हैं बताइए जल्दी से हो गया होगा आई थिंक तो ध्यान से देखो डेलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस लेबोरियस या बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग तो ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड्स हैं लिख लो फटाफट हार्ड वर्किंग ठीक है डिजायर का मतलब होता है इच्छाओं से संबंधित तो ये तो नहीं बनेगा आपको बताना श्रेणी इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावित जो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देता हो पॉजिटिव वे में रेडिक्यूलस का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना किसी को रेडिक्यूल करना यानी किसी की मजाक बनाना मौकरी किसी को मौक करना मौकरी और अच्छा ये एडजेक्टिव फॉर्म है ये नाउन फॉर्म है किसी का मजाक बनाना हंसी मजाक करना किसी पे लांछन लगाना ये बोल सकते हो एजीडियोएस बिल्कुल ठीक है क्योंकि एजीडियुस का मतलब होता है एग्जैक्ट बहुत जिसमें एफर्ट लगते हो एनी टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एनी थिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स तो वो क्या कहलाएगा एजीड्यूएस एक और शब्द यूज कर सकते हो यहां पर और वो शब्द है डिमांडिंग डिमांड का मतलब वो नहीं है कि डिमांड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी चीज की तब बोलेंगे जैसे कि मान लो मुझे एक घर बनाना है तो घर यू नो बिल्डिंग अ होम इज अ वेरी डिमांडिंग टास्क मतलब बहुत इफर्ट लगता है दिमाग लगेगा पैसा लगेगा आपकी मेहनत लगेगी तो डिमांडिंग ठीक है एग्जैक्ट का भी वही मतलब होता है नेक्स्ट कंसिडर बताओ आंसर क्या बनेगा इसका चेक किया जाए यहां पर शब्द लिखा है कंसिडरेट तो कंसिडरेट हम एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो ज्यादातर अपने से ज्यादा अपने से ज्यादा जो सोचता है दूसरों की विशेष के बारे में थिंक ऑफ दन थिंग्स ऑफ अदर्स विशेष और दूसरों की इच्छाओं के बारे में ज्यादा सोचता है फीलिंग्स के बारे में ज्यादा सोचता है उसको हम बोलते हैं कंसिडरेट बात समझ में आगे तो अग्रीएबल तो नहीं बनेगा काइंड भी नहीं होगा का, काइंड का मतलब होता है दयालु राइट जेनोरस होता है थोड़ा सा फर्क है Like मतलब एक जैसी चीजों को एक जैसा चीजें होना same, same, thoughtful बनेगा Wishes. Think of. Think लिखा ना thoughtful think, thought. तो कंसिडरेट तो बहुत अच्छा सा वर्ड है ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए थॉटफुल हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर आई होप इट इज क्लियर सभी को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वेरी गुड नेक्स्ट देखा जाए समझो बेन का क्या मतलब होता है आप लोगों ने जब स्कूल टाइम पे कुछ राइटिंग करते थे जैसे कि कुछ टॉपिक्स आपको मिलते थे तो उसमें आता था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तो आता था ना साइंस बेन और बून याद आया कुछ बेन और बून बेन या फिर बून बून का मतलब होता है वरदान यानी बेन क्या हुआ वरदान का उल्टा कुछ नेगेटिव शब्द है चैलेंज नहीं होगा डेंजर नहीं होगा थ्रेट नहीं होगा कर्स होगा क्योंकि बेन का मतलब होता है श्राप और श्राप का सिमिलर कर्स ही हो जाएगा करेक्ट याद आया कि नहीं वरदान या श्राप ऐसे करके आता था ना तो ये हो जाएगा कर्स बाकी सारे शब्द आपको पता ही है कर्स के लिए एक शब्द आप और पढ़ सकते हो दैट इज इम्प्रिकेशन ठीक है वो शब्द क्या है इम्प्रिकेशन इम्प्रिकेशन मतलब किसी को बदुआ देना किसी को श्राप देना की तेरा ये हो जाए है जा खाए कीड़े पड़े ऐसे वाली बात ठीक है तो मेन हो जाएगा राइट आंसर हिंदी में चाहो तो लिख लो इसको कहते हैं श्राप बदुआ नेक्स्ट देखा जाए ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है लिखा है ओनस शब्द है सैडनेस हैप्पीनेस या क्रिटिसिज्म अगर आपको इसका मतलब पता चल जाए तो अंदाजा तो लग ही जाएगा तो भैया ओनस का मतलब होता है लाइबिलिटी एक तरह की जिम्मेदारी लाइबिलिटी ठीक है लाइबिलिटी अकाउंटेबिलिटी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी बात समझ आ गई तो सैडनेस नहीं होगा हैप्पीनेस नहीं होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा क्रिटिसिज्म नहीं होगा क्रिटिसिज्म के लिए आप कौन से कौन से शब्द यूज कर सकते हो सेंश्योर ठीक है और आप कह सकते हो कंडेमनेशन किसी को क्रिटिसाइज करना कंडेम करना किसी को बीलिटिल करना क्रिटिसाइज करना नेगेटिव शब्द आपको पता ही है ठीक है आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा अगला शब्द देख लो फ्यूटिलिटी अगर कोई चीज फ्यूटाइल है देखो समझना तो पहले तो भी नहीं इसका मतलब वो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी या यूजफुलनेस ठीक है ना इसका मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव शब्द है और का सिमिलर तो पॉजिटिव बनेगा यूजलेसनेस नहीं होगा इनरेलीवेंस नहीं होगा अनइंपॉर्टेंस नहीं होगा अच्छा सॉरी 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 बड़े ध्यान से समझना तो मैं उल्टा बता गया फ्यूटाइल है सॉरी अनप्रोडक्टिव था मेरी बात समझना मैं गलत बता गया अनप्रोडक्टिविटी या अनयूजफुलनेस यूजफुलनेस जो चीज यूज में ना आए तो इसका राइट right आंसर बनेगा देखो फ्यूटाइल सर्च आपने सुना होगा व्यर्थ व्यर्थ का मतलब बेकार जो चीज आपने एफर्ट्स करे सारे बेकार हो गए यूजलेसनेस होगा इनसिग्निफिकेंस और ये सब नहीं बनेगा इनरेलीवेंस और अनइंपॉर्टेंस नहीं बनेगा बात समझ में आई सबको क्लियर है हाँ या ना बताते चलो भाई क्लियर है ना कोई डाउट है किसी को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट अब क्या करना है भाई अब आपको बताना है ऑपोजिट वर्ड एंटेनिम बताना है नेक्स्ट तो शब्द है प्रोडिगैलिटी बताओ आंसर देखा जाए चलो प्रोडिगलिटी क्या बनेगा इसका आंसर सेल्फिशनेस रिस्पॉन्सिवनेस एग्जैक्ट एक्सी कैबिलिटी ये देखो एक्साइटमेंट से रिलेटेड है अलैक्रिटी भी कहते हैं इसको अलैक्रिटी ये एक्साइटमेंट से रिलेटेड है माइजरलीनेस मतलब कंजूसी अच्छा आपसे पूछा है अपोजिट तो प्रोडिगलिटी हम बोलते हैं स्प्रेंड थ्रिफ्टनेस जो बंदा बहुत पैसा खर्चा करता हो मतलब जो खर्चा बहुत ज्यादा करता हो या फिर जो एक्स्ट्रा वेगेंट हो बात समझ आ गई सभी को तो यहां पर रिस्पॉन्स नहीं होगा माइजरलीनेस होगा, होगा और माइजरलीनेस को आप यह भी कह सकते हो फ्रुगल frugal, फ्रुगालिटी क्योंकि नाउन से तो सारे के सारे शब्द नाउन में होने चाहिए या फिर आप एक और वर्ड का यूज कर सकते हो पार्सिमोनियस हम बोलते हैं कई बार लेकिन पार्सिमोनियस से भी अच्छे शब्द आपके पास है एक वर्ड है प्रूडेंस या प्रोविडेंस एक है प्रूडेंस यानी सोच समझ के काम करने की शक्ति या क्षमता प्रूडेंस बात समझ आ गई सभी को यह और नो करके बताते रहना भाई सब लोग ठीक है क्लियर है ना आगे देख लेते हैं नेक्स्ट ऑपोजिट ही तो बताना है आपको आपको अपोजिट ही तो बताना है बताइए हो गया बीस सेकेंड्स देखो ध्यान से क्या लिखा है क्राउडेड क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला भीड़ भाड़ मतलब बहुत सारे लोग यानी कि प्लेंटी नहीं होगा क्योंकि प्लेंटी श्रेणी में है और बैरन का यहां पर कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि बैरन होता है बंजर करेक्ट फ्यूटाइल बैरन का मतलब होता है futile. तो यहां पर नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है डेजर्टेड या लोनली तो मेरी बात समझना क्राउडेड एक प्लेस होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां बहुत भीड़ भाड़ हो बहुत ज्यादा लोग हैं। लोनली मतलब अकेला और डेजर्टेड डेजर्टेड मतलब लेफ्ट आउट छोड़ दिया गया अबेंडेंट तो एक ऐसा प्लेस जो छोड़ दिया गया है लोगों के द्वारा लोग वहां पर जाते नहीं है ऐसे प्लेसेस को हम बोलते हैं डेजर्टेड यानी कि क्राउडेड और

देखा जाए तो शब्द लिखा है फिकल फिकल का मतलब होता है जो सडनली मूड चेंज कर ले या हो जाए जैसे कि कैप्रिशियस कैप्रिशियस सडन मूड चेंज नॉट स्टेबल ठीक है अनस्टेबल सडनली चेंज बात समझ आई अब तो नहीं होता क्राफ्टी का मतलब होता है कनिंग नेगेटिव सेंस में आता है जो बहुत ज्यादा सोच विचार करके दूसरों का नुकसान करने का सोचता है स्टेबल या सटल सटल का मतलब होता है सूक्ष्म यानी बहुत बारीक डेलिकेट तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि यहां पर राइट आंसर बनेगा स्टेबल ठीक है कई बार आपने लोग देखे होंगे ना पल में तोला पल में माशा जरा सी देर में खुश है जरा सी देर में दुखी है रो रहे हैं दिक्कत है उनको किलकिल -किल कर रहे हैं तो हम इसी की बात कर रहे हैं ठीक है आई होप इट इज क्लियर सभी को यहां तक नेक्स्ट मेंडरिंग आंसर दो देखा जाए हम बात कर रहे हैं मेंडरिंग की अगर आप लोग YouTube पर क्लासेस ले रहे हो तो ये शब्द कई बार डिस्कस किया आप लोगों ने कई बार इस तरीके का पाथ देखा होगा इस तरीके का रास्ता तो ये इस तरीके का रास्ता क्या है मेंडरिंग है कई बार मैंने पढ़ा रखा है आपको हाँ या ना? बोलते रहो भाई पढ़ा रखा है ना अच्छा तो मेंडरिंग का मतलब होता है घुमावदार या फिर आप कह सकते हो सर्पेंटाइन सर्पेंटाइन कह सकते हो सर्क्यूटस कह सकते हो या फिर और भी बहुत सारे शब्द हैं अब स्लाइडिंग होना चाहिए स्लाइडिंग मतलब सरकाने वाला ये तो नहीं बनेगा मतलब ढलान तो इनक्लाइंट टुवर्ड्स वन साइड वन साइड ठीक है तो ये भी नहीं बनेगा स्ट्रेंड का मतलब होता है भाई नर्वसनेस नर्वसनेस कह लो या हड़बड़ाहट कह लो ये भी नहीं बनेगा स्ट्रेट मतलब सीधा साधा अपोजिट पूछा है तो बात सिंपल सी खत्म हो गई फिर तो नेक्स्ट बताइए देखा जाए किसकी बात कर रहे हैं एमेच्योरिश तो एमेच्योर कौन होता है जो सीरियस ना हो करेक्ट नॉट सीरियस अब सीरियस का सीजन से कोई मतलब नहीं है अनसीजन मतलब नॉट एक्सपीरियंस्ड या फिर अनएक्सपीरियंस्ड सीजन हम यूज करते हैं एक्सपीरियंस के लिए ठीक है ना ध्यान से समझिएगा अनएक्सपीरियंस पर्सन जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो ज्यादा क्या हो ही ना तो ये तो नहीं बनेगा अन मतलब जिसको ट्रेनिंग ना मिली हो तो ये भी नहीं होगा बंशस होता है एक बंदा जो पॉम्पस होता है जो बड़बड़ा बड़बोला होता है जो बड़बोला होता है बहुत ज्यादा लोकेशियस बातों नहीं होता है या फिर अपने बारे में बहुत कुछ बोलता रहता है रहता है तो लोकेशियस भी नहीं होगा इसको हम एक और शब्द से यूज करते हैं वर्बोज मतलब बोलने वाला जितना शब्दों का जरूरत है उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता का प्रोफेशनल क्योंकि क्या होता है नॉट नॉट सीरियस अनप्रोफेशनल ठीक है ना तो राइट आंसर क्या बनेगा 45 का डी आई होप इट इज क्लियर तो जिन्होंने भी यहां पर डी पर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के ज्यादातर क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे होंगे हाँ है ना आगे देख लेते हैं क्या करना है आपको कुछ हैं ईडीएम्स है चूज द अल्टनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ idioms एंड फ्रेज वो EDMs and फ्रेज बताने हैं जो आपको अच्छा ईडियम एंड यार बता लोगे सिंपल सा क्वेश्चन है करेक्ट आपके सामने ये है बताइए तो यहां लिखा है ब्रेक अ लेग आपको पता है इसका क्या मतलब होता है ब्रेक अ लेग मैंने आप लोगों को इडियम सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताया था ट्रिक बताई थी यहां पर जो लिखा है वैसा शब्द अगर कहीं भी लिखा हो तो समझ लेना मीनिंग पता, आपको मीनिंग का पता करना है देखो दो तरीके के मीनिंग होते हैं एक मीनिंग होता है फिजिकल और एक मीनिंग होता है एब्स्ट्रैक्ट एक मीनिंग होता है एब्स्ट्रैक्ट आप सभी को पता है कि जब हम इडियम्स का यूज करते हैं तो इडियम का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी भाषा जो है और ज्यादा सुंदर हो जाए है ना सीधे 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 किसी को ताना नहीं मारना है लेकिन ताना भी मारना है तो कैसे बोलोगे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा काम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे हो नहीं रहा है तो अब कह रहा है कि भैया ये सब खराब है तुम्हारा मान लो कोई मशीन है वो रिपेयर कर रहा है अब उसे, उसे रिपेयरिंग आती नहीं है उसने कोशिश किया फेल हो गया अब वो कह रहा है कि ये तुम्हारे टूल्स खराब है सारे के सारे मशीन ही बेकार है पता नहीं कैसी मशीन लेकर के आयो तो हम क्या कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मतलब तुम्हें खुद तो कुछ आता नहीं है तुम दूसरों को दोष दे रहे हो बात समझ आ गई तो अगर डायरेक्टली बोलोगे कि तुम्हें खुद कुछ नहीं आता तो उसे बुरा लग जाएगा तो उसे बुरा भी ना लगे अपने मन की भड़ास भी निकल जाए इसलिए हम यूज करते हैं तो समझना तो हमेशा ध्यान रखना ईडियम्स में फिजिकल मीनिंग कभी भी अगर हो तो नहीं होगा इसका आंसर हमेशा एब्सट्रैक्ट होगा कैसे समझना एक शब्द होता है हर्ट हर्ट हाथ में चोट लगी हाथ में चोट लगी हर्ट का मतलब क्या होता है चोट हाथ में लगी खरोच लगी तुम्हें दिखेगी वो दिखेगी हाथ में जो चोट लगी है वो फिजिकल है वो दिखेगी तुम्हें दर्द होगा पपड़ी पड़ी है खरोच लग गई है खून निकल रहा है तुम्हें दिख रहा है आए ना ये ये हो गया फिजिकल लेकिन एक चोट चोट लगी तुम्हारे दिल में योर हार्ट गॉट हर्ट ये चोट दिखेगी नहीं महसूस होगी और जिसको लगी है उसी को महसूस होगी तो ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है तो हमेशा ध्यान रखना एब्स्ट्रैक्ट वाला मीनिंग बनेगा अब देखो यहां पर लेग लिखा है टू हर्ट वंस लेग यहां पर भी लेग लिखा है मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा हाँ बैड लक या गुड लक देख लेंगे तो डांस एंथुजियाटिकली तो ये भी नहीं होता है ब्रेक अ लेग का मतलब ये भी नहीं होता है तो भैया ब्रेक अ लेग बहुत अच्छा सा बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया में इसका मीनिंग आप लोग मैं लिखूंगा तो लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो कई बार ऐसा होता है ना किसी भी काम को शुरू करने से पहले विशिंग विशिंग गुड लक बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो या ना या फिर बिफोर स्टार्टिंग अ अ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बिफोर प्रोजेक्ट कह लो परफॉर्मेंस कह लो बात वही है क्या बात समझ में आई सबको इसका मतलब इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है यस और नो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट एडम्स एल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छा सा है बताओ

चलो देखा जाए समझिएगा लिखा है डैम्प स्क्वेब तो इसका मीनिंग समझ लेना डैम्प स्क्वेब हम बोलते हैं एक सिचुएशन को अ सिचुएशन अ सिचुएशन दैट लीड्स टू फेलियर ठीक है जो फेलियर की तरफ लेकर के जाए तो कंप्लीट फेलियर हो सकता है नॉलेज नहीं होगा मोटिवेट नहीं होगा स्क्वेंडर मनी नहीं होगा राइट right आंसर बनेगा ये स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट ठीक है वेस्ट करना स्पेशली टाइम और पैसे को तो जब भी आप बोलते हैं डोंट वेस्ट योर मनी स्क्वेंडर ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा ठीक है क्लियर है सभी को नेक्स्ट बताइए देखा जाए समझिएगा तो वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है एक ऐसा इफर्ट देखो गूज क्या होता है बत्तख के बच्चों को हम गूज बोलते हैं और अगर ये वाइल्ड है तो ये आपको आपके आसपास तो नहीं मिलेगी मिलेगी जंगलों में और जंगलों में अगर इसके पीछे जा रहे हो और फिर आपको कुछ भी ना मिले तो आपका क्या हुआ सारे एफर्ट्स बेकार हो गए तो वाइल्ड गूज चेस का मतलब एक नेगेटिव होता है जिसका मतलब है एक फूलिश अनप्रॉफिटेबल और एडवेंचर यानी वाइल्ड गूस बतक के बच्चे को जंगल में जाकर ढूंढ रहे तो कुछ फायदा थोड़ी ना मिलने वाला है कितनी कीमत होती है उसकी कोई किसी काम की भी नहीं होती तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा इसका राइट right आंसर बनेगा ये वाला अ फूलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर आई होप इट इज क्लियर मुझे लगता है सभी को ये बात क्लियर रही होगी नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटल पनिशमेंट अच्छा स्टार्ट ही नहीं हुआ चेक कर लो चेक किया जाए तो क्या लिखा हुआ है कैपिटल पनिशमेंट ये आपने कई बार देखा होगा इसका मतलब लाइफ इमेंट नहीं होता है टू बी जेल नहीं होता है ये नहीं होता है डेथ सेंटेंस होता है ठीक है डेथ सेंटेंस का मतलब कैपिटल पनिशमेंट कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा तो एक और फ्रेज हम इसी तरीके से यूज करते हैं सेंटेंस्ड टू डेथ तो ये क्या है यियोलॉजी है मतलब वैसे अगर कहते हैं डेथ मौत तो थोड़ा सुनने में कड़वा लगता है थोड़ा तीखा लगता है मतलब द, बुरा लगता है तो जब किसी बुरी बात को भी अच्छे तरीके से कहना हो इसको हम बोलते हैं ठीक है योलोजी, योलोजी. तो बस ये एक तरीका है योलॉजी का जैसे कि मान लो तुम खाना खा रहे हो डाइनिंग टेबल पे सारे लोग बैठे हुए हैं खाना वाना खा रहे हो अब खाना वाना खा रहे हो सबके सब किसी को वॉशरूम जाना है और कोई बोलेगा कि मम्मा आई गो टू आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट तो खाना खाते समय टॉयलेट शब्द सुनोगे तो बड़ा भद्दा सा लगता है ना या मुझे आ, मतलब पी करना है यूरिनेट करना है ऐसे शब्द बोलोगे खाना खाते समय बड़ा गंदा लगता है भद्दा लगता है तो इसीलिए कर ही नहीं सकते तो आप, चले जाओ किसी को बुरा भी नहीं लगेगा आपने अपनी बात भी कह दी इसी चीज को बोलते हैं योलॉजी तो पेशाब जाना है टॉयलेट जाना नेचर्स कॉल तो नेचर्स कॉल क्या हो गया योलॉजी हो गया नेक्स्ट क्या करना है भाई अब यहाँ पर पैराग्राफ में दिया है जंबल्ड ऑर्डर में और आपको इसको रीअरेंज करना है करेक्ट चलो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ये पैरा जंबल कह लो या सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह लो इसको हम करके देख लेते हैं ठीक है चलो शुरू करते हैं फिर तो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने ये है लो बीस सेकेंड और आंसर दो भाई देखो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हमेशा कहां से शुरुआत करोगे ऑप्शन से आर पी आर क्यू ठीक है ऑप्शन से शुरुआत करना हालांकि यहां पर तो इजी वाले हैं तीन तीन दिए हुए यहां क्या लिखा है द पेस्टिसाइड्स ठीक है अब इसके बाद में क्या आना चाहिए सब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है आपको यह भी पता है कि नाउन पहले आएगा और उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रोनाउन होगा ठीक है ना तो देख लेते हैं यूज इन इंडिया दोज यूज इन मेनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मोर हार्मफुल देन कंपेरिजन हो रहा है यानी एक चीज का दूसरे से कंपेरिजन हो रहा है तो मुझे इतनी बात समझ में आई आर मोर हार्मफुल पेस्टिसाइड कहां पर यह बताना पड़ेगा कि एक तो इंडिया में यूज हो रहा है दूसरा की बाकी देशों में यूज हो रहा है तो आर यूज इन इंडिया आर मोर हार्मफुल देन दिस तो आर पी क्यू बनेगा राइट right आंसर ये रहा सी ऑप्शन आई थिंक सभी का आंसर करेक्ट होगा यस और नो मेरे ख्याल से तो सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए आगे चेक कर लेते हैं बताइए देखा जाए देखा जाए समझिएगा किसकी बात कर रहे हैं द लास्ट इशू सब्जेक्ट सिंगुलर है क्यू क्यू पी आर कुछ भी हो सकता है लास्ट इशू कैन बेंड हो सकता है क्या हो सकता है कैन बेंड तो नहीं होगा हाउ अ पावरफुल मोनोपली वेरी गुड तो आर के ठीक बाद में क्यों आना चाहिए यह बात कंफर्म हो गई आर के ठीक बाद में क्यों आना चाहिए तो क्यू आर तो नहीं होगा क्यू आर बाद में हो गया आर के बाद में क्यों होना चाहिए हो सकता है आर के बाद में क्यों दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो लास्ट इश्यू वी नीड टू एग्जामिन होगा अब शुरुआत या या तो आर से 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 हो हो सकती सकती है है पी पी क्या होगा पॉलिसी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स कंट्रोल नहीं पी वाला आखिरी में आना चाहिए तो फोर्थ आंसर बनेगा आर पी आर द राइट आंसर ठीक है ना ठीक है सिंपल चीज थी नेक्स्ट सेम चीज सेम लॉजिक ए बी ए डी आपको सी चेक नहीं करना है बस ये देखो पहली लाइन कौन सी हो सकती है बताओ। मोस्ट ऑफ़ द एग्जामिनेशन पेपर वॉज टफ हाउ एवर राशि कंप्लीटेड पेपर वेल इन टाइम एज वेल एज प्रिपेयर एज शी वॉज वेल प्रिपेयर ठीक है जब देखो यहां पर हमें मिल गया सोल्यूशन तरीका मिल गया बड़े ध्यान से देखना एक तो कह रहा है राशि स्टडीड हार्ड फॉर मैथिस्ट यहां पर बात कर रहा है एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जामिनेशन टफ था यहां कह रहा है हाउ राशि ने अच्छे से कर लिया तो ये बात समझ में आ रही है कि भाई पहले कोई पढ़ाई करता है पेपर के लिए उसके बाद पेपर देने जाएगा जब पेपर पेपर देने जाएगा तब पता पता चलेगा चलेगा कि कि ये ये आसान है है या टफ और उसके बाद उसने कैसा किया तो बात समझ में आ रही है इसका मतलब कहीं कहीं पे पे पहले आएगा ए इसके बाद में कहीं पे आएगा डी और बी आएगा इसके बाद में तो हमें ये तो कन्फर्म हो गया कि डी आएगा बी से पहले डी बी से पहले यहां पर ये हो सकता है बी पहले नहीं हो सकता डी से बी पहले नहीं हो सकता डी से डी पहले हो सकता है बी से अब देखो तो क्या डी से शुरुआत हो सकती है नहीं आप लोग आंसर बताओ शुरुआत तो भाई राशि से ही होगी ना राशि स्टडीड हार्ड फॉर मैथ एग्जामिनेशन यानी कि ये बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा और नो तो ये तरीके हैं आपको जो रिलेट करने हैं पढ़ेंगे देर इज अ सिंगल फैक्टर नेवर टू बीक्सेस फॉर ऑफ फोर्सेज बिहाइंड आंसर दो देखो ध्यान से देर इज नेवर बिहाइंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा मतलब पी से तो शुरुआत नहीं हो सकती अ सिंगल फैक्टर हो सकता है देर इज नेवर टू बी एक्सेस फॉर फोर्सेस तो ये भी नहीं होगा आर भी नहीं होगा तो दो हटा दो क्यू कंफर्म है क्यू के बाद में पी आएगा या आर आएगा बस ये देख लो तो देर इज नेवर सिंगल फैक्टर बिहाइंड द परसिस्टेंस ऑफ टू बी एनेक्सेस राइट इट ऑलवेज हैज टू बी इट ऑलवेज हैज टू बी एनेक्सेस ऑफ फोर्सेस क्या होना चाहिए बताओ बताओ जल्दी से क्यू के बाद में पी आएगा या आर आएगा तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि आ सिंगल फैक्टर अब सिंगल फैक्टर किस चीज के लिए पी कहता है बिहाइंड द परसिस्टेंस आर कह रहा है टू बी एन एक्सेस ऑफ तो सबको तो पता है पी आएगा इसके ठीक बाद में इसका मतलब ये बनेगा वेरीफाई करके देख लेते हैं देर इज नेवर अ सिंगल फैक्टर बिहाइंड दिस दैट करेक्ट लास्ट चलो बताओ देखो ध्यान से किसके बारे में बात हो रही है बाई डूइंग सो ब्रॉड इट क्लोजर बाई डूइंग सो इट आर आर पी क्यू किसके बात कर रहे हैं ब्रॉड इट क्लोजर टू कल्चरल एंड सोशल लाइफ हैज रिडिफाइंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड यानी कि हैज रीडिफाइंड पॉलिटिक्स बाई डूइंग सो इट हैज रिडिफाइंड एंड के बाद में इट हैज रिडिफाइंड पॉलिटिक्स एंड ब्रॉड क्लोजर तो आर के बाद में पी बन रहा है आ, पी आर नहीं होगा पी आर नहीं होगा आर के बाद में पी बन रहा है आर के बाद में पी बन रहा है आप ये देखो कि लास्ट में क्यू आ सकता है या शुरू में बीच में क्यू आएगा तो बाई डूइंग सो इट हैज रीडिफाइंड पॉलिटिक्स एंड brought इट क्लोजर टू कल्चरल तो पी के ठीक बाद में Q आना चाहिए और क्यू पी नहीं होगा इसका मतलब पहला वाला राइट आंसर है ठीक है फर्स्ट इज द राइट आंसर है आई होप इट इज क्लियर तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी आपका फोर्टी फाइव में से स्कोर कितना रहा सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और आपको रिप्लाई दूंगा पहले आप मुझे ये बताना कि जितना मैंने आज को आपको आज प्रैक्टिस करवाया है आपको कितना समझ में आया और आपका स्कोर कितना है आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा है ठीक है अभी के लिए इतना ही सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आएगा इसी से इसी सेशन का आज फर्स्ट है ये फर्स्ट पार्ट है सेकेंड और थर्ड भी आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे आप उसमें भी अपने आप को जज करिएगा चेक करिएगा इवेल्युएट करिएगा क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं यहां पर आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है उसके बाद में उसी के हिसाब से मांगे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ठीक है चलो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहना और हाँ दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंजॉय करिए मस्ती से पटाखे वटाखे भी जलाना बिल्कुल जलाना पॉल्यूशन होगा कोई दिक्कत नहीं है साल में एक त्यौहार आता है यार हिंदुओं का करना चाहिए सेलिब्रेट करो अच्छे से चलो ठीक है थैंक यू सो मच बाय